दिस इज़ द लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, अ सुपर हाईवे बिल्ट सो दैट व्हीकल्स कुड मेक द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड आगरा एंड दिल्ली पर्हैप्स इन शॉर्ट टाइम. दीज डेज ऑफ कोर्स इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ रोड वेयर हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स आर मेकिंग लॉन्ग जर्नीज ऑन फुट, मैनेजिंग टू फाइंड सम ट्रांसपोर्ट इन द मिडल बट मोस्टली हैविंग टू गो ऑन फुट. भैया आपका नाम क्या है? शिववरुण. कहाँ से आ रहे हैं भैया? जयपुर से. जयपुर से यहाँ तक पहुँचे हैं 300-500 किलोमीटर तो होगा. हाँ. कैसे आए भैया? रास्ते में कोई सवारी मिली है या पैदल ही ज़्यादा आए हैं? ज़्यादा तो पैदल ही चलना पड़ा, सवारी कभी कभी मिल जाता था, ट्रक मिल जाता था उससे आगे. ट्रक वाला कोई भाड़ा वाड़ा भी मांगता था भैया? हाँ, भाड़ा तो कोई 400-500 तो अभी दे के आ रहे हैं. कहाँ से कहाँ तक दे के आए? आगरा से यहाँ तक 400 रुपये दिए. 400 रुपये दिए और फिर थोड़ा पहले उतार दिया आपको? हाँ, वहीं उतार दिया, बोला लखनऊ छोड़ेंगे. आपका क्या नाम है भैया? ओम प्रकाश. कहाँ से आ रहे जी? हम ग्रेटर नोएडा से. ग्रेटर नोएडा से. कैसे आए, पैदल आना पड़ा या कुछ सवारी मिली? आगरा तक पैदल आए. आगरा तक पैदल आए, फिर उसके आगे ट्रक से ही आए हैं. जो किराया बचा था वो दे दिए. कितना भाड़ा मांगा? 400-400 भी दिए. 400-400 दिए. थोड़ा पहले उतार दिया आप? हाँ, थोड़ा पहले उतार दिया. क्या बोला उतार के? कि हम इससे आगे नहीं जा सकते. अच्छा, तो ओम प्रकाश जी क्या काम करते थे आप वहाँ? जहाँ सेटरिंग का काम, कंस्ट्रक्शन सेटरिंग का काम करते थे मजदूर. आपका घर कहाँ है ओम प्रकाश जी? छपरा सारण बिहार. छपरा बिहार. तो अभी आपको पूरा गोरखपुर वोरखपुर पार करके छपरा तक जाना है जी? तो कितना पैसा आपके पास बचा है अभी? एक 10 रुपया. जब 10 रुपया बस. और पानी कितना बचा है आपके पास? ये एक बोतल. इसके अलावा आपके बैग में क्या है खाने पीने का? कुछ नहीं. क्या मजबूरी थी ओम प्रकाश जी जो इतनी दूर चल के आना पड़ा? ट्रेन वेन का वेट क्यों नहीं कर पाए? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो जब ये ट्रक वाले ने किराया मांगा, कुछ मोल भाव कर पाया या मोल भाव नहीं किया भैया? नहीं करता. अच्छा, कोई बात नहीं. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप बढ़ जाइए आगे. आई थिंक ओम प्रकाश जी गॉट अ लिटिल इमोशनल बट यू कैन सी देयर अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो वॉकिंग बाय द सेम रोड. ऑल ऑफ दीज पीपल अगेन, दोज हु आर बीइंग फोर्स्ड टू वॉक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, बीइंग आस्क्ड फॉर मनी, बीइंग आस्क्ड फॉर किराया बाय ट्रक ड्राइवर्स एक्सेट्रा. क्या नाम है भैया आपका? लालदेव जी. कैसे, ट्रक वर्क से आए हैं? जी हाँ. कितना किराया लिया आपसे ट्रक वाला? 400 रुपये. 400? कहाँ से कहाँ का 400? ये 400 रुपये आपसे वो है आगरा से. लिया जी आगरा से. हाँ जी. कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं जाऊँगा बिहार. जाएंगे बिहार में? कहाँ रहते हैं? छपरा. आप भी छपरा के हैं? जी छपरा का. तो सारा किराए में पैसा आपका खत्म हो गया, कुछ बचा है अभी आपके? बचा है 100 रुपये. बचा है आपके पास? 100 रुपया बचा है आपके पास? 100 रुपये बचा है. 100 रुपया. तो आगे का क्या सोचें भैया, कैसे जाएंगे आगे? सब देखिए, किसी से मदद मांगे. क्या काम करते थे वहाँ? सेटरिंग का काम करते थे. चल दिया जाओ भाई, भागो यहाँ से. क्या कर रहे हो? खाना का नहीं मिलता कुछ? भले मिलता खाना, अब खाना बंद भी कर दिया. कॉटन वाले के गले चला दिया, जाओ अपना घर जाओ. अब बताइए क्या खाएंगे? बिल्कुल. तो ये बैग वैग लेके भैया पैदल भी चल रहे हैं? मजबूर है, पैदल जा रहे हैं. आगरा से कोई आया था पैदल? यहाँ से हाईवे परिचौक से पैदल आए. बहुत मथुरा से पैदल आए? पैदल ही आए सर. आगरा. तो ये जो ट्रक वाले आपसे भाड़ा मांग रहे हैं भैया, कुछ मोल भाव कर पा रहे हैं? जो मांग रहे हैं वही देना पड़ेगा? नहीं, मांगे थे 500 रुपये. 400 रुपये माना तो हम बोला 300 रुपये देंगे जी. बोला भैया इससे अब नीचे हम नहीं ले पाएंगे, 400 रुपये आप दोगे तो भाई बैठ जाओ. तो सर बैठेंगे. जाइए आप लोग बैठ जाइए. सो आई थिंक इफ विनीत कैन जस्ट वॉक विद मी अ लिटिल अहेड, आई विल शो यू हाउ द पुलिस इज ऑल्सो हेल्पिंग. व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर stopping a few trucks and trying to ask these people to get onto these trucks. That is what is happening. I'll continue walking with Vineet as he gives you a few shots of all these migrant workers here. You can look at his water bottle and I'm sure the water in it, if it anything is there, is extremely undrinkable because it is very hot. It's very hot and it's difficult to walk like this. But you can see over here, it's a very desperate situation for everyone. That earlier gentleman, he broke down when I asked him how much money he had, because he said that I don't have any money, I don't know how I will go. But I think one must also thank the police that they are at least getting a few trucks and getting these workers to sit on the truck, so at least they don't have to walk. So I think that's one good thing that the police is doing, is that they are getting all of these workers to sit on these trucks so that they don't have to walk in this heat. And all of these people at least will manage to make it to wherever the truck is going, and then it will be another struggle for them to try and get on to another transport
that the most of torture. And like this gentleman says that he's asking the truck wala to go to Amosi, and from Amosi they may be given buses to go ahead. So at least the police is here, and they are trying to get people at least to have some mode of transport here in Lucknow. With camera person Vineet Kumar, this is Alok Pandey, NDTV.